मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर अस्थायी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने जनसेवा कर कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए अपना कीमती समय दिया। साथ ही पिछले 8 महीनों से लगातार निस्वार्थ सेवा कार्य करने के बाद राज्य सरकार के समय अवधि पूरा होने के फैसले का विरोध करते हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सड़क पर उतरकर मोर्चा संभाला है। हम लोग की जब नियुक्ति हुई थी वो 3 महीने की नियुक्ति थी, 3 महीने का अनुबंध लगा था। 3 महीने के बाद इन्हें हमें 3 महीने का और एक्सटेंशन दिया, 6 मंथ हो गए, इन्हें 1 मंथ का और एक्सटेंशन दिया, 7 मंथ हो गए, फिर इन्हें 1 मंथ का और एक्सटेंशन दिया तो 8 मंथ हो गए। तो जब 8 मंथ हो गए हैं एक्सटेंशन के लिए, हम लोग को 3 महीने में निकाल लेना था, 3 महीने का था, इनने हमको 4 महीने यूज कर लिया, पर उसके बाद इनने अभी जो एक्सटेंशन निकाला वो 1 मंथ का निकाला, उसमें भी छटनी कर दी और हमारे ANM और फार्मासिस्टों को बाहर कर दिया। तो ये हमारे जो भाई बहन उनके साथ कोई न्याय नहीं है, ये अन्याय है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग ने स्वास्थ्य मंत्री से बात की, CM हम लोग की बात सुनने तैयार नहीं है। हम लोग भोपाल तक गए, कलेक्टर के पास गए, CMHO के पास गए, सबके पास गए, सब लोग बोलते हैं फालतू का काम बंद कर दो। हम लोग ने शासन से परमिशन ली, प्रशासन से बात की, कोई सुनने तैयार नहीं है। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चे दूसरों के भरोसे पे छोड़ के आते हैं घर पे। हम लोग के साथ ना इंसाफी हो रही, हम लोग को इंसाफ चाहिए, क्योंकि हम लोग ने कर्म किए हैं। जब परमानेंट स्टाफ घर पे बैठा हुआ था, जब हम लोग पर के करने आते थे, ठीक, हम लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, 50% आज हम लोग का शरीर नष्ट हो चुका है, उसके बाद हम लोग को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी जिस दिन मैंने ड्यूटी की है, जब भी मैंने कुछ नहीं बोला कि चलो भैया जो चला गया वो चला गया, जिसकी जान बचा सकते तो बचा ले, वो दूसरों की जान बचाने के चक्कर हमने कभी फैमिली में क्या चाहती हूँ। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग को परमानेंट किया जाए या संविदा बेस पर रखा जाए, कोई छटनी नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं। सागर में CMHO कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए नियमितीकरण की मांग पर शहर की मुख्य सड़क पर करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन किया, जिससे पूरी तरह से यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर धरना प्रदर्शन समाप्त कराया। साथ ही अस्थायी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी आपबीती सुनाते हुए नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। मैं COVID-19 स्वास्थ्य कर्मचारी हूं, मैं फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हूं सागर में। अभी क्या हुआ था, COVID-19 जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद हम लोगों को अस्थायी रूप से 3 महीने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं दी गई थी, जिसके बाद समय समय पर सरकार की जैसी जरूरत पड़ी उस हिसाब से इसको एक्सटेंड करते गए, हम लोग की सेवाएं लेते गए। आज जब 8 महीने कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद हमें सारे मध्य प्रदेश के सारे स्वास्थ्य कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिससे कि हमारे सारे स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन हम लोग ने अभी भी ज्ञापन सबको दिया, भोपाल भी गए थे, लेकिन वहाँ पर हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। इसलिए आज हम लोग ने ये अपने कर्मचारियों के साथ ये ठोस कदम उठाया है कि हम लोग यहाँ पर आज रोड जाम करिए, हम लोग अपनी मांगें पूरी करवाना चाहते हैं। हम लोग को बेरोजगार हो जाएंगे, किसी के पास कोई साधन नहीं है रोजगार का। यहाँ पर हमारे स्वास्थ्यकर्मी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ANM ये और हमारे लैब टेक्निशियन, ये सभी अपनी जान पर जान दांव पर लगाकर 8 महीने तक सेवाएं देते रहे, लेकिन सबको बाहर कर दिया गया। या हम यही चाहते हैं कि सभी की सेवाएं कंटिन्यू करी जाएं और सभी को स्थायी संविदा या नियमित करा जाए। चंद्रेश यादव की रिपोर्ट।